आया है भाई। क्या लाई हो? अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, धूप हो रही है। किस चीज की सब्जी है ये? बंद कर लो। अच्छा ये क्या दिया था अम्मी ने तुम्हारी अम्मी को, मेरी अम्मी ने? बंडा, बंडे की सब्जी है ये। फ्रेंड्स ये बंडा जो है, चलो देखते हैं कैसी खाते हैं। तो ये ढक तो कौन वाली ले ले, खाली तुम ये और ये ले जाओ, खाली कटोरी मुझे दे दो, दोनों पकड़ो, खाली कटोरी मुझे दे दो। ठीक है, क्या कर रही हो तुम? आज पढ़ने आओगी ना? अभी हमें 2 दिन की छुट्टी मिल गई, फिर एक मुहर्रम जी का छुट्टी और एक संडे की छुट्टी। हाँ। और वो मंडे को हाफ डे। नहीं, मंडे को हाफ डे, और कल तुम्हारी भी छुट्टी है यहाँ कोचिंग स्कूल ट्यूशन की, क्योंकि मुहर्रम है ना कल, है ना? ओके, अब तो मेरी भी छुट्टी कर लो एक दिन की। वैसे भी टेस्ट हो गए ना आज, लास्ट टेस्ट था। हो गया? हो गया। कैसा हुआ? अच्छा हुआ। चलो ठीक। भूरिया क्यों नहीं आई ये बताओ? भूरिया भैया ने खाला क्या? आ गई, बारिश हो रही थी तो मैंने तायबा को रोक के रखा है, अभी बारिश हो जाए तो मैंने कहा जाओ, अब तो हो गई बारिश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। और तो भाई आज है 10 तारीख, यानी कि आज है अशरा मुहर्रम, और बस सुबह से जो तैयारियां होती हैं आज के दिन, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं घरों में। मेरे घर में आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है बिरयानी बन रही है, और ज़रदा बन रहा है, और ज़रदे का जो प्रोसेस है मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि मेरी अम्मी ज़रदा किस तरह से बनाती हैं, क्योंकि ज़रदा जो है पूरे व्लॉग में अभी तक नहीं मैंने आपको दिखाया इसकी रेसिपी की मेरी अम्मी किस तरह से बनाती हैं। और हाँ, ये जो आप मेहंदी देख रहे हो ये मैंने कल ही लगाई थी। एक्चुअली कोन काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, मैंने सोचा ख़राब ना हो जाए, मैं जब से लेकर आई थी तब से मैंने लगाया ही नहीं। और कल पता नहीं क्यों, कल थोड़ा सा फ्री भी थी, ज़्यादा शूटिंग वगैरह नहीं थी ब्लॉग की, और ज़्यादा एडिटिंग नहीं थी, तो कल मेरा बहुत दिल चाह रहा था। एक्चुअली जब आप कोई डिज़ाइन देखते हो ना, तो ये होता है कि आप इस डिज़ाइन को कब लगाओगे कब लगाओगे। काफ़ी दिन से मैंने एक डिज़ाइन देखी हुई थी जो कि मैं सोच रही थी अब लगाऊं, तो फाइनली मुझे कल जो टाइम भी मिला तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। जबकि 12 बज रहा था जब मैं मेहंदी लगा रही थी, 12 बज गया था मेहंदी लगाते लगाते, तो बस मैंने आगे एक क्वेश्चन लगा के बस ऐसे पीछे से एक डिज़ाइन बना ली है। और प्लीज़ अब ये लोग प्लीज़ आप लोग अब ये मत कहना कि मुहर्रम में मेहंदी लगाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कि आप बस इबादत करें, नमाज पढ़ें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हमारा इस्लाम हमें नमाज के लिए कहता है सबसे पहले, क्योंकि कब्र में भी सबसे पहले नमाज ही पूछी जाएगी। तो बस आप सब नमाज ही पढ़ें, और ये सब बकवास बातें हैं कि मेहंदी नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो बस। तो आज का दिन मेरा जिस तरह से गुजरेगा आपसे मैं शेयर करूँगी। तो चलिए फिर देखिए आज क्या क्या बन रहा है, आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भीग रहा है चावल, क्योंकि आज है मुहर्रम की 10 तारीख, तो आज बनने जा रहा है ज़रदा। तो यहाँ पर चावल जो भीग रहा है ज़रदे का, और बिरयानी भी बनेगी साथ में, और ये ज़रदा जो है बाटा भी जाएगा। ज़रदे का पानी जो है ये चढ़ा दिया है हमने, और ये अब जब बॉयल हो जाएगा तो इसमें हमें कुछ चीज़ें डालते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या डालते हैं। रम है जो हम इसमें डालेंगे, फूड कलर जिसको बोलते हैं, जो हमें डाल दिया है इसमें। ये पकेगा उसके बाद इसमें डाले जाएंगे चावल। देखिए ये चावल है, हम इसमें डालेंगे। जो जर्दे का चावल है ये पकेगा थोड़ी देर, जब इसमें बॉयल आ जाएगा। ये हमारे चावलों में जो है बॉयल आ गया है, और अब हम इसको जो है उतार लेंगे। चावल जो है पसाए जाएंगे, हमने इसको उतार लिया है और अब ये पसाए जाएंगे चावल हमारे इस।
आ गया खोया जो अब जाएगा हमारे जर्दे में। और इधर क्या हो रहा है, इधर बन रही है बिरयानी की तैयारी हो रही है। ये देखिए चिकन जो है हमारा पक रहा है। तो भाई लाइट अभी से कट हो गई है क्योंकि जुलूस वगैरह निकलता है, तो इसलिए लाइट कट हो गई अभी से। और देखिए कूलर ही बंद है और ये दरवाज़ा बंद है, लेकिन एसी नहीं चल रहा। तो ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा हमारा, और ये गया खोया और ये ड्राई फ्रूट्स, और ये अब जाएगा बटने। तो हमारे पड़ोस में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए जाएगा ये। देखिए यहाँ पर जो है, अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है, तो खुल ही नहीं रहा है बिरयानी का। अभी खाली पानी भी डाला नहीं है। अच्छा चल गए बहुत तेज। ये देखिए ये जो है ये बहुत तेज जल गई, पानी एकदम से उछल के आ गया मेरे हाथ पे। ये गैस की फ्लेम जो है फुल थी इसीलिए उछल के आया। इसको मुझे धीमा करके चलाना चाहिए था। रायता यहाँ मैंने डाली है लहसुन और मिर्ची की चटनी, और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और प्याज डालेंगे जाएगा काला नमक। उसके बाद डालेंगे पानी। देखिए इसमें पानी डाल दिया है, हमारा रायता जो है रेडी हो गया। इसको हम निकालेंगे दूसरे बाउल में क्योंकि मैसी हो गया है बाउल। और इतना प्यारा मौसम हो रहा है, मैं आ गई हूँ ऊपर। ओह माय गॉड, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी हवा चल रही है और हम आ गए हैं ऊपर छत पे। आज है 10 तारीख मुहर्रम की और आज कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अभी बहुत तेज़ धूप थी, बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा। अब उतना ही प्यारा मौसम जितनी ज़्यादा गर्मी। देखिए आप लोग बहुत प्यारी हवा चल रही है, माशाल्लाह। तो देखी गई हैं वो। तो जी यहाँ पर हो रहा है हमारा खाना, और माशाल्लाह खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। टेस्टी बिरयानी तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत ही यमी बिरयानी बनी थी। ज़रदा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। जहाँ जहाँ बंटवाना था पड़ोस में सब जगह बंटवा दिया गया, और बहुत अच्छा गुजरा इस तरह से हमारे मुहर्रम का दिन, अशरे का दिन इस तरह से गुजरा। तो आई होप आपको भी पसंद आया मेरा आज का ब्लॉग, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसा आपने उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।